अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सबसे पहले आप लोग कह रहे होंगे कि यार ये काशी भाई को क्या हो गया, ये मतलब कौन सा व्लॉग है, किस दिन शुरू हुआ है, ये मतलब अंधेरा अंधेरा और काशी भाई गुड मॉर्निंग कर रहे हैं। ब्रो ये सुबह के जो है वो 4 बज रहे हैं, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से, माँ बाप की दुआओं से और आप लोगों की थोड़ी सी अच्छी अच्छी विशेज और आप लोगों की भी दुआओं से पहली शिफ्ट मिली है, तो वही 4 बजे जा रहे हैं वही शिफ्ट करने अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक एक शिफ्ट है या 2 शिफ्ट है अभी कोई कंफर्म नहीं है, बट आज शिफ्ट है और जा रहे हैं, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर से एक दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह, जब से हम आए हैं लाइक 2 फेब को हम आए थे और आज डेट है मेरे ख्याल में 8 मार्च फ्राइडे ऐसा ही है कुछ, तो आज पहली शिफ्ट है मेरे ख्याल में 8 या 9 घंटे की है। तो कहाँ जाना है, सिर्फ लोकेशन भेजी है स्टिल, अभी तक तकरीबन यहाँ से 1.25 घंटे का सफ़र है, 1.25 घंटे डेढ़ घंटे का सफ़र है और 7 बजे हमारी शिफ्ट शुरू होनी है। तो मैं उठा था तकरीबन 3 बजे, उसके बाद नहाया, कपड़े पहने, नाश्ता बनाया, साथ सामान जो लेके जाना था वो, तो अभी पहुँचते स्टेशन पर 5:15 बजे जो है बस निकलनी है, तो ये सारा जो है वो टाइम हो जाएगा। तो जाहिर बात है जब 8-9 घंटे की शिफ्ट है तो मे भी, क्योंकि आधा टाइम तो इसी में गुजर जाएगा, तो व्लॉग बेशक शॉर्ट हो बट मैंने कहा कि बनाना तो है थोड़ा सा, बेशक 4 मिनट का क्यों ना बने या 3 मिनट का क्यों ना बने, बट व्लॉग तो बनाना वो तो ज़रूरी है, जब तक बना सकता हूँ बनाऊँगा। रात अभी दोस्त से बात हो रही थी, उसने कहा था कि यार शुरू में आते हैं लोग, नो डाउट मैं था वेला था और आगे भी कोई नहीं पता, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, लेकिन वही कह रहा हूँ ना कि जब तक बना सका इतना टाइम लगा बनाऊँगा, सो घबराना नहीं है। मैंने सुना था कि अंग्रेज़ जो है वो सुबह सुबह उठ जाते हैं, बट मैंने कुछ ज़्यादा ही जल्दी सुन लिया था कि वो बहुत ज़्यादा ही जल्दी उठ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, सिर्फ हम जैसे जो है ना वो माशाल्लाह से शिफ्ट करने के लिए जल्दी उठ जाते हैं, वरना अभी तक मुझे इस बस के अलावा तो कोई नज़र नहीं आया और मुझे नहीं लगता कि बस में भी कोई बैठा हुआ है, बट सब शांति माहौल है। और स्टेशन पर हम बस पहुँचने ही वाले हैं, लाइक 5 मिनट रहते हैं और उसके बाद वेट करेंगे 15 मिनट बस के आने का। और यस नहीं यार, मैं जज कर गया था, लेकिन स्टेशन पर आने पे मतलब बस स्टेशन पे आया हूँ तो पता लगा कि मेरे जैसे और भी कई हैं जो सुबह सुबह रोजी पर जाते हैं, मैं कोई अनोखा नहीं हूँ जो कह रहा था कि देखो जी 4 बजे उठ के चला गया हूँ। हाँ बहुत सारी आवाम है, बसेस भी चल रही हैं ज़्यादा, मतलब यहाँ से इनका वर्किंग टाइम शुरू हो जाता होगा लाइक, क्योंकि जिसने घंटा घंटा डेढ़ डेढ़ घंटा सफ़र करना है तो वो तो सही पता है इसी टाइम से निकलेगा और ताकि टाइम से पहुँचे। बस का इंतज़ार कर रहा था, चलो मैंने कहा मैं दिखा दूँ कि अभी जो है ना मेरे खड़े होते इंतज़ार करते बस का, और रश देखो वरना शुरू हो गया, मतलब कि सफाइयाँ भी हो रही हैं साथ में, जो है ना आवाम भी आ रही है जा रही है और सारे कामकाज। अब ठीक है, अब थोड़ा सा अच्छा महसूस हो रहा है कि मैं अकेला नहीं हूँ, सारे जो है ना हर कोई ना कोई काम शाम लगा हुआ है, अच्छा है। अपनी जो है वो जगह पर जो हम पहुँच चुके हैं, बट बहुत जल्दी पहुँच चुके हैं क्योंकि सुबह सुबह था तो रश नहीं था, तो काफ़ी जगह पर जो है वो गाड़ी रुकी नहीं है, आई मीन बस, तो इस वजह से तकरीबन हम आधे घंटे के अंदर अंदर पहुँच चुके हैं यहाँ पर और अभी 1.5 घंटा बड़ा हुआ है शिफ्ट स्टार्ट हो गई। और 4 घंटे कंटिन्यूसली जो है वो काम करने के बाद ब्रेक हुई है और यहाँ से आपने सारा कुछ चेंज करके जाना होता है, शूज़ आपके, आपका कोट, सारा कुछ ही चला यस। और इस टाइम जो है वो फिर आप कैंटीन पर जा रहे हैं, उन्होंने कहा गो 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 ब्रेक 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 ब्रेक, 4 घंटे ठंड में, तो वही अपना नाश्ता जो हम बना कर आए थे सुबह, कॉफ़ी बनाई है, अल्लाह माफ़ करे ये जो है ना कॉफ़ी के नाम पर धब्बा ही है मैंने जो बनाई क्या हो सिंह तू क्यों हंस रहे हैं। तो भाई साहब ब्रेक जो है वो ख़त्म हो चुकी है, ये दोबारा से तैयारी शुरू हो गई है, मतलब ऊपर से आपने क्या कोट उठाना होता लेकिन हमारा ऑलरेडी नीचे है तो कैप पहन ली है, अब यहाँ से जो है ना वो हमने इंटर होना है और सारा शूज़ वूज उतार के अपना माहौल शुरू। भाई सब अभी फ्री हुए और चेंज करके बाहर मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पता लगा है कि भाई कुछ काम किया आज, यकीन करो पहले इतना चलता था फर्क नहीं तो पड़ता, लेकिन आज जो है इतनी देर खड़े होके मतलब ये काम करके, टांग कहती है कि तुम्हें मैं बताती हूँ, रोज तुम टीटू पार्टी लगाते हो ना चल चल के, भाई
सुबह जब हम अंदर मतलब गए थे तो क्या कहते हैं उसे, अंधेरा था बिल्कुल, सुबह सुबह का टाइम था, और जैसे मैं अभी बाहर निकला हूँ तो लाइक तो ऐसे लगा कि पता नहीं मेरी दुनिया ही चेंज हो गई ना। लेकिन बाहर निकलते ही मौसम और ये बादल और ये काले किताबें, बस अभी जो है वो बस पकड़ते हैं और फिर वापस जाते हैं। और दूसरी बात ये है कि अंदर पहला घंटा, दूसरा घंटा, तीसरा घंटा, मतलब घंटा गुजरता गया तो मैं कहता यार ये कब गुजरेगा। लेकिन जब पता लगता था ना कि एक घंटे के इतने पैसे मिलेंगे, फिर अच्छा यार दूसरा घंटा से, तीसरा घंटा से, लेकिन फिर भी जो भी है दिल कर रहा था कि बस यार अभी चला जाऊँ, अभी चला जाऊँ, क्योंकि खड़े होना पड़ता था। वो उसने तो बैठने ही नहीं दिया बंदे ने, मतलब वो सैंडविच का कोई था वो बना रहा था, तो उसी के साथ शेफ के साथ लगा हुआ था, फूड इंडस्ट्री थी तो वहाँ पर। अब जब बाहर निकला हूँ तो अभी दिल कर रहा है कि बेशक 8 घंटे 9 घंटे एक और शिफ्ट दे दे तो ये सीन पार्ट है, चलता रहेगा, बंदा यूज टू हो जाएगा, जैसे यहाँ आकर हो गए फिर वैसे काम करके हो जाएंगे। तो भाई सब घर काशी भाई पहुँच चुके हैं, रास्ते में वीडियो बनाना भूल गया था, मेरी बातों और मेरे चेहरे से और थोड़ा सा थोड़ी सी बस जो है ना वो थोड़ी सी फील हो रही है। पहला दिन था ना सोने पुत का, पहला दिन था ना तो इस वजह से। तो आज का व्लॉग खत्म करते हैं यहाँ पर, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक मुझे दे इजाजत, अल्लाह हाफिज़।